Okay, so the question says, if the diameter of a carbon atom, let us suppose this is the carbon atom, fine? Yes, ma'am. And kehta iska diameter, maan lete hain ji, kitna hai? 0.15 nanometer. Suppose kar liya humne. Calculate the number of carbon atoms. ये एक कार्बन एटम है वो पूछ रहा है कितने कार्बन एटम्स कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब कि कोई लेंथ है हमारे पास इसको चल अलग से बना लेते हैं कोई लेंथ है ए टू बी ठीक है कितनी है वो लेंथ 20 सेंटीमीटर है इतना समझ में आया यस मैम उस 20 सेंटीमीटर लेंथ में कितने ऐसे कार्बन एटम्स हम पुट कर सकते हैं ये पूछा है इसमें और क्या क्वेश्चन है ऐसे तो देख यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे पहले ये बता 0.15 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे मैम 10^-9 मीटर तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ यस मैम एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मैम 100 तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ हम 100 से यस मैम मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ये ठीक है यस मैम क्या किया मैंने पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया तो जब भी पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं पावर कम हो जाती है जितने प्लेसेस शिफ्ट करते हैं ठीक है यस मैम तो हमें ये क्या पता चल रहा है हमें ये पता चल रहा है कि भैया जी हमें इतनी लेंथ कवर करनी है तो उसमें कितने कार्बन एटम आते हैं ये देखना इतनी लेंथ ये क्या है इसका डायमीटर था इसका डायमीटर इतना हो गया सेंटीमीटर में इतना डायमीटर मतलब एक कार्बन एटम कवर कर लेगा इतना डिस्टेंस दो इतना तीन इतना समझ रहे मैं क्या बोल रहा जा रही हूँ इतने सेंटीमीटर में एक कार्बन एटम आएगा एक सेंटीमीटर में 1/ इतने कार्बन एटम आएंगे 20 सेंटीमीटर में कितने कार्बन एटम आएंगे खत्म बस इसको सॉल्व कर ले कितना हो जाएगा 200/15 इंटू है ना कितना हो गया 20/15 इंटू 10^9 कितने तक गया 5 तक गया 5 4 15 कईयो के दे रखे हैं चैप्टर 2.35 का दिया हुआ आंसर देख ये आंसर दिया इतना आ रहा है तेरा इतना ही आएगा इसको yes, सॉल्व कर ले बस यस मैम मैम फिर हम 2.36 और 37 एक बार ट्राई कर लूंगा ऐसे से लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है हो जाएंगे आराम से मैम फिर एक 2.38 बता दो इसको लिख लिया यस मैम अच्छा चलो ये मैंने यस मैम कौन से वाला 38 यस मैम कहता अ सर्टेन पार्टिकल कैरी चार्ज इतना कोई पार्टिकल है हमें नहीं पता कौन सा पार्टिकल है उस पे चार्ज को हम क्यू लिख लेते होते हैं जनरली 2.5 × 10^-16 कूलम उस पे चार्ज है ठीक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेना देना नहीं है हमें मतलब ऐसे ही भी चार्ज इतना फिजिक्स में यहाँ कुछ नहीं है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो राजे उसका है ये क्यू इज इक्वल टू एन ई मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा था ना यस मैम अच्छा हम ठीक है ओके हम समझ गए एन कटना ई दी वैल्यू कितनी होती है मैम 1.6 × 10^-19 हाँ बस और क्या ओके ठीक है और बताओ
मैम फिर 2.39 सेम ही तो है, पढ़ के देख। इसने साथ में वो दे दिया ना, साइन दे दिया, तो वो तो हम साइन लगा लेंगे अपने। एन नहीं पूछा है इसने। ओके मैम, ठीक है मैम, कर लूँगा मैम ट्राई। अब माइनस इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल में तो माइनस ही होता है ना चार्ज, तो यस ये मैम, कट समझ गया, गया, ठीक एन की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, है मैम। करके देखिए। और बोलो। मैम फिर एक मैम ये वाला क्वेश्चन था, ये 2.2 मैम। ये ना थोड़ा मोल कंसेप्ट के साथ लिंक्ड है, अच्छा इसीलिए नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। थोड़ा बहुत तो आता ही होगा तुझे मोल, है ना? नहीं आता तो बाद में भी हो सकता है। ये देख, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल मिथेन। तो तू इसको छोड़ दे, 1 मॉलिक्यूल लेते हैं। मान ला मैं तुझे CH4 का एक मॉलिक्यूल दे दूँ, उसने कितने कार्बन के एटम है हिमांशु? मैम वन, 1 ही है ना? तो यस एक मैम, कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 मैम। 4 है। अब तो मुझे बता, कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैम 6, 6। हाइड्रोजन में एक में एक, यस मैम, तो 4 हो जाएंगे हम टोटल में, 4, 10 हो गए। तो यस मैम। मैं बोल सकती हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथेन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। यस मैम, मैम अब उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल मिथेन। अब बेटा 1 मोल मिथेन का मतलब पता है क्या होता है? 6.022 × 10³ मिथेन के मॉलिक्यूल, ये पता है आपको? मैम, मुझे मैं कहा 1 मोल मिथेन ले ली, मतलब कितने मॉलिक्यूल ले लिए हमने? इतने। यस मैम, 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है हिमांशु? 10। तो मैम 10 इलेक्ट्रॉन्स, एवोगाड्रो नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? × 10। यस मैम, तो 24 हो जाएगा ये हाँ, तो। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन में, इसको एन ए लिख लेते हैं, शायद मालूम हो तुमको, NA × 10। तो आंसर आ गया 6.022 × 10^24। ठीक लगी समझ? है, यस मैम, तो लिख रहे हैं, याद कैसे रहेगा तुझे? रिकॉर्डिंग सुनेगा बाद में। मैम रिकॉर्डिंग के हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। अच्छा, ले रहा है ना? यस मैम, इसका सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कहता फाइंड, क्या बोला फर्स्ट में, टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन 7 मिलीग्राम ऑफ, ये कार्बन 14 वाला आइसोटोप दिया हुआ है, ठीक ओके है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये, अच्छा ये बता, कार्बन 14 का मतलब यही है? मुझे यस मैम, इसने जान के नहीं लिखा, एटॉमिक नंबर तो फिक्स ही है, कार्बन है तो 6 ही होगा। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, एक एटम में? 8। एक एटम, यस मैम, 8, एट एट हो गए, ठीक है। अब हमें एक एटम ऑफ C14 में मालूम चल गए कि 8 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से। ठीक है। उसने क्या बोला है कि हमको 7 मिलीग्राम कार्बन 14 का दे दिया। किसका दे दिया? कार्बन 7 मिलीग्राम फोर्टीन का। कार्बन हाँ, अब 7 मिलीग्राम में ग्राम कितने होंगे बेटा? मिली का मतलब पता है आपको? 14, यस मैम, 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का नॉलेज है, आप देख समझ आएगा तो ठीक है, नहीं ये फिर फर्स्ट चैप्टर करने के बाद कर लेंगे ये क्वेश्चन। अच्छा, अब आपने क्या ये पढ़ा हुआ कि 14, जैसे इसका मास 14 है ना, 14 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है, पता है ये बात? नहीं मैम, ये नहीं पता मुझे। नहीं तो अभी ये छोड़ दे, फिर कंफ्यूजन होगी, फिर तू टेंशन में आ जाएगा। ये मूल कंसेप्ट करा दूं, फिर समझा दूं, ठीक है? ओके मैम, ये छोड़ दे, थर्ड पार्ट भी, STP भी, इसमें भी मूल कंसेप्ट की नॉलेज चाहिए, फिर ये दोनों पार्ट अभी पेंडिंग रखें।
ओके मंशु ना, मुझे तू दिख रहा है ना, तेरी आवाज आ रही है। यस मैम, समझ आ गया मैम। अच्छा और बोल, इसको ना लिख ले कॉपी पे, बाद में करेंगे। ओके मैम। मैम फिर एक ना ये वो मैम बाकी हो गए थे। यस हो गए तो चल ठीक है, शायद मैम। करें फिर आगे। यस मैम। ओके मैंने ना तुझे स्पेक्ट्रा के भेज दिए थे नोट, शायद तूने देख लिया होगा। यस मैम देख ली मैम। उसमें अभी हमने वो क्वेश्चन कुछ करना भी है, तो सारे ही थे नोट्स। ठीक है, तो ओके मैम। स्पेक्ट्रा क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है ना, एमिशन स्पेक्ट्रा यस मैम। में हमने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा पढ़ लिया था और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा पढ़ लिया था। कॉन्टिन्यूस जैसे यस व्हाइट मैम। लाइट का एग्जाम्पल है, डिसकॉन्टिन्यूस मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का देखें तो हमें स्पेसिफिक लाइंस मिलती हैं, बीच बीच में डार्क एग्जैक्टली स्पेसेस मिलती हैं। ठीक है, तो यस मैम। हमको एक्चुअली करना तो हाइड्रोजन का ही एमिशन स्पेक्ट्रा है, बट मैं उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब्जॉर्प्शन जैसे नाम से ही क्लियर है कि कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब होगा। जैसे देख, मान ले ये व्हाइट लाइट है। कौन सी लाइट है? व्हाइट व्हाइट लाइट लाइट है। मैम। व्हाइट लाइट को इफ यू पास डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म तो तुमको सात कलर दिखेंगे, और वो क्या दिखेगा तुमको? कॉन्टिन्यूस दिखेगा, और उसको हम बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट कहीं से एमिट हुई होगी, उसका हमने स्पेक्ट्रा देखा। ठीक है, बट ठीक है मैम। अब हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करने से पहले हम इसको किसी सॉल्यूशन से पास करा देते हैं। सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल हमने पहले सोडियम का समझा था, तो अब सोडियम ही लेके चलूंगी मैं। सोडियम के कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, तो व्हाइट लाइट को उसमें से पास किया, तो कुछ पोर्शन ये जो सॉल्ट होगा ना ये अब्जॉर्ब कर लेगा, व्हाइट ठीक है लाइट मैम। की कुछ वेवलेंथ ये खा जाएगा। कौन सी वेवलेंथ खाएगा? वो इसकी नेचर है कि सोडियम है तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा, पोटाशियम का सॉल्ट लोगे तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा, लिथियम का लोगे तो कुछ करेगा। तो कुछ पोर्शन इसने खा लिया, खा लिया मतलब अब्जॉर्ब कर लिया, बाकी की जो लाइट बची, जो ट्रांसमिट हुई लाइट, जब तुम उसको स्पेक्ट्रा उसका देखोगे बाय पासिंग इट थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप, यू विल गेट अगेन सम पैटर्न। लाइक सपोज इफ आई टेक यस दिस मैम। एज अ पर्टिकुलर केस, आई विल ऑब्जर्व, वैसे तो व्हाइट लाइट का हमें सात कलर दिखना चाहिए, ठीक है, बट इसमें क्या यस होगा, मैम। देख ये दिखना चाहिए। इसमें हम क्या यस मैम। देखेंगे कि जो येलो पोर्शन में दो लाइंस 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर, इतने दोनों जगह तो अनु ब्लैक लाइंस दिखेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये वाली यस मैम। वेवलेंथ किसने अब्जॉर्ब कर ली? थोड़ी हम सोडियम ने मैम। आई बात मतलब समझ? मैम फिर आपने बात बताई थी मैम कि जब कोई जो एलिमेंट होता है मैम वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मैम, फिर जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वो फिर नीचे वापस आ जाता है मैम, फिर वो वापस जो एनर्जी वो रिलीज करेगा हाँ वो रुक शो रुक, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम वो वाले उसका तो हम स्पेक्ट्रा देख ही नहीं रहे, हम तो इसका स्पेक्ट्रा देख रहे हैं। वो शो तब होती जब हम देख, इसके एटम ने अब्जॉर्ब होके जो भी ये छोड़ेगा वो इसी बॉटल में ही रह जाएगा। हम अभी वो उस लाइट का नहीं स्पेक्ट्रा देख रहे। इट इज नॉट एन एमिशन स्पेक्ट्रा, इट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हमने कोई और लाइट मैम फिर उसमें वो से, जो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो साथ में नहीं दिखेगा इसके? उसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, उसको तुम देखो तो वो दिखेगा ना।
हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ओके किसी और चीज की देख रहे हैं। जब मैंने पहले पढ़ाया था तो पहले हम सिर्फ उस एटम जो वो एक्साइटेड होके वापस आया था उस लाइट को देख रहे थे। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हम वाइट लाइट यूजुअली होती है यदि हम उसको पास कर दें तो ये जो वापस जितनी आती है वो कैसा बिहेवियर दिखाती है। ये एक दूसरे के ओके नेगेटिव ही हैं। जैसे हम पहले था, तुम लोगों ने तो पता नहीं देखा है कि नहीं, जो पहले कैमरा नहीं आते थे, नेगेटिव्स बनते थे उसके, फोटोज आती थी। पता नहीं अब तुम तो छोटे हो, देखा नहीं होगा शायद, तुम लोगों के टाइम तो कैमरा ही होता है ना, पहले नेगेटिव्स निकलते थे, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफ्स होती थी। तो ये एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक तरीके से वैसे ही नेगेटिव्स ही हैं एक दूसरे के। समझ में आई बात? मैम, एक डाउट और है मैम। जैसे कि जो आपने यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप रखा है मैम, ये एक प्रिज्म है कि मैम, ये क्या है? मतलब मैम, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? नहीं, फिर इसमें से बाकी कैसे लाइट अलग अलग कैसे होंगी, वेवलेंथ ये सारा कैसे दिखेगा? अच्छा मैम, वो ये जो अलग अलग वेवलेंथ की स्पेक्ट्रोस्कोप दिखाएगा हमें? नेचुरली, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा ओके कि जो बाहर निकल रही है उसमें से कुछ अब्जॉर्ब भी हुआ है कि नहीं। नेगडाई ओके से समझ तो वो गया मैम। दिखेंगे नहीं ना। हाँ, तो ऐसे ठीक है तो स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ गया? मैम, फिर ये डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम होगा? हाँ, कह सकते हो सॉर्ट ऑफ। एक्चुअली कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस ज्यादा हम एमिशन में ही देखते हैं, सॉर्ट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस ही बनेगा क्योंकि लगातार तो है नहीं, बीच में आ तो गैप ही गया। ठीक है, ठीक है मैम। अब जो हमने मेन पढ़ना है वो हमने पढ़ना है हाइड्रोजन का, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसमें वही कहानी है जैसे हाइड्रोजन का एटम है, डिस्चार्ज गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तुम सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का वो यूजुअली तो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट होता है। जब उसको एनर्जी मिली बाहर से तो वो एक्साइटेड होके, हो सकता है ये फर्स्ट शेल है, सेकंड पे पहुंच गया हो, थर्ड पे पहुंच गया हो, फोर्थ पे पहुंच गया हो, कहीं पे भी जा सकता है। बट जब वो वापस आएगा, ये भी पॉसिबल है कि वो एक ही स्टेप में वापस आ जाए, ये भी पॉसिबल है। कह ले, मान ले वो फोर्थ सिक्स पे गया, सिक्स से जब वो वापस आएगा तो हो सकता है सीधा वो फर्स्ट पे गिरे, तो वो कुछ वेवलेंथ छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ यस मैम, छोड़ेगा ना। हो सकता है सिक्स से पहले वो फिफ्थ से आए, फिफ्थ से हो सकता है फिर वो सीधा आ जाए, हो सकता है फिफ्थ से थर्ड पे आए, थर्ड से सेकंड पे आए, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग वो वेवलेंथ एमिट करेगा और वो ही वेवलेंथ हमें स्पेक्ट्रा में फिर सारी दिखाई भी देगी, वो सारी मैम ये वेव, जो हम जो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं मैम, वो फिर वो इनफाइनाइट शेल से वापस आ रहे हैं? वो डिपेंड करता है ना कि उस वो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके कौन सी शेल में गया। हो सकता है वो सेकंड ओके पे ही मैम, ठीक पहुंचा, वो तो उसकी अपनी है, है वो मैम, कितनी अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ठीक है मैम। तो अब कौन कौन सी लाइंस दिखेंगी वो हमने, जो मेन दिखती हैं, ऐसे तो मतलब बहुत सारी पॉसिबल हैं, जो मेन लाइन स्टडी करने लायक हैं वो हम देख रहे हैं। तो मैं ये शेल्स बना रही हूँ, एक मिनट, थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं। ये सारी जैसे हम ऐसे शेल्स हैं ना, ऐसे ये चीज़ हैं। अब मैंने उसको मतलब ये जो शेल्स हैं उसको ऐसे दिखा दिया समझने के लिए। ठीक है मैम, 5 6 7 बना लेते हैं हम, और ये मैंने बाद में गैप ज़्यादा रखे हैं, इनका भी रीज़न है। ये तुमको बोहर मॉडल जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि मैंने गैप मैं बढ़ा क्यों रही हूँ, अभी नहीं ठीक है समझ मैम, में आएगा। तो ये मान ले फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन है, एट एंड सो ऑन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए,
एनर्जी लेके वो मान ले सेकंड पे चला गया, थर्ड पे चला गया, फोर्थ पे चला गया या इन्फिनिटी पे चला गया। अब वो जब वापिस आएगा तो वो लाइट छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा, मतलब एनर्जी जो एमिट करेगा उस लाइट को हम स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इस स्पेक्ट्रा को हम हाइड्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रा बोलते हैं, एमिशन, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इसको कुछ लाइंस में ना सेग्रीगेट किया गया कि मान ले जी वो सेकंड से फर्स्ट पे आया या वो थर्ड से फर्स्ट पे आया, आए कहीं से भी बट वो मान लेते हैं हम अभी कि फर्स्ट पे आ रहा है, पॉसिबिलिटीज तो है ही है। अब उसने फर्स्ट पे आना है तो मिनिमम सेकंड से तो आएगा ही, क्योंकि हम वापस आते टाइम हाई से ही आएगा अपने से एक, है ना। यस मैम, ऐसे जितना मर्जी शो कर सकते हो, जो भी लाइन हमें n इज इक्वल टू 1 पे गिरने पे दिखाई देगी उस लाइंस की एक सीरीज बन जाती है, उस सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ये साइंटिस्ट के नाम पे होती है। तो ये बात बस तुमको याद रखनी है, क्वेश्चन में जैसे वो दे देगा कि लाइमन सीरीज की बात है तो उसने बताना नहीं है कि लाइमन सीरीज कौन सी है, वो अपने को याद होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आके गिर रहा है, फॉल कहाँ कर रहा है, फर्स्ट पे, आ कहाँ रहा है वो मतलब हम मतलब एक तरह से ये पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं कि हमने जो हाइड्रोजन के ऊपर लाइट डाली है, इलेक्ट्रॉन ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो ऊपर चला गया, अब हम उसकी नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। हाँ हाँ, वही वाला हम एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, हम अब्सॉर्प्शन नहीं पढ़ रहे इसके। ठीक है, ठीक है। और वो कहीं से भी आए, इफ इट इज फॉलिंग ऑन द फर्स्ट लेवल, ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो जो सीरीज तुमको जो लाइंस दिखेंगी वो कौन सी सीरीज में लाई करती हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं उसको, साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड पे गिर रहा है, सेकंड पे फॉल करेगा तो वो मिनिमम थर्ड से तो करेगा ही। यस मैम, थर्ड से गिरा सेकंड पे, फोर्थ से गिरा सेकंड पे, सेकंड पे गिरने के बाद कहाँ जा रहा है वो नहीं हम देख रहे, वो नेचुरली फर्स्ट पे आएगा ही, बट हम देख रहे हैं वो वाली पॉसिबिलिटी तो हमने कवर कर ली। अब हम देख रहे हैं मान लो सेकंड पे गिरा, ठीक है, मैं मतलब ये कह सकते हैं कि मैम जो इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी जो अपनी लाइट एनर्जी है वो सेकंड शेल पे एमिट कर दी एक तरह से। ये सारी नहीं, ये नहीं कह सकते, हर एक शेल की अपनी एनर्जी होती है, जब तक वो सेकंड शेल में है उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं होता कि उसने सारी, अभी भी उसके पास एनर्जी है, वो फर्स्ट पे आ सकता है, बट वो वाली पॉसिबिलिटी अलग अपनी, वो लाइमन सीरीज बनेगी। मान लो सेकंड पे आ गया, सेकंड से जो वो वन पे वापस आएगा तो वो लाइमन सीरीज में लाई करेगा, बट सेकंड पे आने में भी तो कुछ लाइंस दिख सकती है ना हमें, ऐसा तो है नहीं कि ओके, उसने समझ गया। सेकंड पे जब आएगा तो वो कौन सी एनर्जी छोड़ रहा है, स्पेक्ट्रा में तो सारी लाइंस आ जानी है, तो वो स्टडी करनी पड़ती है। समझ गया, तो वो समझ गया। बामर सीरीज कहलाती है वो, बामर सीरीज, ओके। हाँ, लाइमन बामर। अब ऐसे ही कहीं से भी गिरे बट वो आए n इज इक्वल टू 3 पे, 3 पे आएगा तो मिनिमम फोर्थ से तो आएगा, फिफ्थ से भी आ सकता है, सिक्स से भी आ सकता है, सेवन से भी आ सकता है, एट से भी आ सकता है, उसको बोलते हैं पाश्चिन, पाश्चिन सीरीज। क्या बोलते हैं? पाश्चिन सीरीज, पाश्चिन सीरीज। ये मैं लाइमन बामर पाश्चिन, आगे कहीं से भी आए बट गिरे n इज इक्वल टू 4 पे, फिफ्थ से आए, सिक्स्थ से, सेवन से, एट से या इन्फिनिटी से, कहीं से भी, लाइमन बामर पाश्चिन ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। अब कौन से, सॉरी, फिफ्थ पे आए, सिक्स्थ से, सेवन से, एट से, नाइन से, कहीं से, लाइमन बामर पाश्चिन ब्रैकेट पफंड, क्या नाम है इसका, पफंड, फंड, LBPBP, लाइमन बामर पाश्चिन ब्रैकेट पफंड, एक और काउंट कर ली जाती है, आए कहीं से, आए सिक्स्थ पे, नेचुरली सेवंथ से, सिक्स पे या एट से या नाइन्थ से या टेंथ से या इन्फिनिटी से, उसको बोलते हैं हम्फ्रे।
क्या बोलते हैं, हम्फ्रे, ठीक है, हम्फ्रे सीरीज, हम्फ्रे। एच, मतलब एनसीईआरटी में तो ये पांच ही दे रखी हैं, बट ये एक एक्स्ट्रा होती है, ठीक ओके। है। हाँ, तो एल बी पी बी पी एच, लाइमन बामर पाश्चिन ब्रैकेट पफंड हम्फ्रे, याद रहेगा। यस मैम। एक तो इनके नाम याद करने हैं, बाकी तो पता ही है कि लाइमन में कहीं से भी आए वन पे गिरेगा, तो बामर पे टू पे गिरेगा, पाश्चिन में थ्री पे गिरेगा, ब्रैकेट में फोर पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, ठीक है। तो मतलब जब भी बीच में मैम रैंडमली इससे को, आगे भी जाता है? हाँ जाता होगा, जाता है नेचुरली, बट वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, हमने नहीं पढ़नी, हमारे स्कोप से बाहर। ओके। और इनके रीजन याद करने हैं, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करते हैं, वो स्पेक्ट्रम याद कर लिया था ना, रॉल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन, यस मैम, उसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन आया था। यस मैम। तो लाइमन सीरीज मतलब वो, ये जो वो वन पे गिरता है, जो भी एनर्जी वो मिट करेगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, उसकी वेवलेंथ, समझ आ गई बात। ओके, बामर यस मैम। सीरीज इकलौती है विजिबल रीजन वाली। मैम वो मतलब नेकडाइस देख सकते हैं? हाँ, इसकी सीरीज आपको लाइंस इसकी दिख जाएंगी, बिल्कुल नेकडाई से देखा नेकडाइस, जाएंगे, यस। ओके। बाकी के तीन सिर्फ रीज आईआर के, सिर्फ बामर, विजिबल वाली बामर, ओके। और ये फॉर इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड से भी थोड़ा सा दूर वाला जो रीजन है उसको फॉर इंफ्रारेड बोलते हैं। आगे बात समझ में, यस मैम। क्या क्या याद रखना है, नाम याद रखने हैं, रीजन याद रखने हैं, इससे काम हो जाएगा। ये कौन किसका स्पेक्ट, कैसी लाइट निकल रही है? हाँ बिल्कुल, वो ही रीजन से याद रह जाएगा वो, तो समझ गया बेटा। ओके, यस मैम। अब इसका फायदा क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं हम। अब हमने भाई स्टडी कर लिया कि ये वाली लाइंस हमको दिख रही हैं, तो इनकी कुछ कुछ वेवलेंथ्स होंगी, है ना। कोई भी लाइन दिखी, मान लो यस लाइमन में गिरा, वो टू से वन पे गिरा, जो इलेक्ट्रॉन था टू से वन पे गिरा, तो उसने कुछ एनर्जी एमिट की, वो जो एनर्जी एमिट की मतलब उसने कोई वेवलेंथ एमिट करी होगी, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, ठीक मैम। है। और मान ले वो तुमको पूछे कि लाइमन सीरीज में गिरा, टू से गिरा, और उसकी वेवलेंथ निकाल के बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन ने लाइट एमिट करी उसका लैम्डा निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट था रेडबर्ग, उसने एक रेडबर्ग, फॉर्मूला दिया था, उसका नाम है रेडबर्ग फॉर्मूला। क्या नाम है? रेडबर्ग रेडबर्ग फॉर्मूला। फॉर्मूला वो फॉर्मूला है, ये किसका सिंबल था? वेव मैम, वेव नंबर। नंबर। ये हाइड्रोजन के लिए अभी है, फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके मतलब लिख लेते हैं, ये तो है वेव नंबर, वेव नंबर, आर होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, ओके। इसकी वैल्यू है, एक तो जो स्कूल में यूज करनी है ये, ठीक है। बाकी इजी मेथड है कंपटीशन वगैरह के लिए, वो भी देख सकते हो। सेंटीमीटर इनवर्स मतलब नीचे आ जाएगा, यस ऐसे हो मैम, गया। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100, यस मैम, 1/100। सिक्स गया। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, तो यस मैम, ये देखना, इसको मान लो, देखो ये समझते हो तुम, ये पांच ऐसे लिख लिया, एक ही बात है। इस चीज को यस मैम, यस मैम। मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं तो 5 प्लेसेस मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, तो पावर +5 हो गई, और ये वाली 2 अलग से, ये बात समझ में आ रही है? यस मैम, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1.1 × 10^7 मीटर इनवर्स, बताओ यस मैम, अप्रोक्सीमेट करके।
यस मैम, तो ये भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ आ? मैम स्कूल में नहीं यूज कर सकते वाली वैल्यू? कर सकते हो, कई बार टीचर नंबर काट लेते हैं थोड़ा सा, कई बार उनके माइंड से स्किप हो जाता है ना, ये वाली वैल्यू ज्यादा कॉमन है ना, 109677। मैम अगर हम बाकी सिर्फ मैम 1.09 ले लें तब भी प्रॉब्लम होगी मैम? नहीं, बट ठीक है, इतना चलेगा। फिर अपना वो कर देना ना, ओके पावर बना लेना उसकी, कितनी बनेगी, एक यस दो मैम, तीन चार पांच बनेगी यस मैम, अप्रोक्सीमेट। एक बार लिख देना, फिर रफ में कैलकुलेशन टाइम कर लेना। ठीक है मैम। एन एक वन बात मैम और पूछनी थी मैम, मैं जितने भी हम कल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें ना ऐसे डिफरेंस आते हैं, जैसे मेरा आंसर 5.62 आ गया, मैम बुक में आंसर 5.6568 ऐसे है, तो मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, उसका कोई मैटर नहीं करता, ओके ठीक है, इतना चलेगा। ओके मैम, N1 क्या है? N1 मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है। N1 ओके इज द मैम, लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन फॉल्स, फॉल्स ठीक है, एंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन कम्स, कहाँ से आ रहा है, समझ गया। जैसे ओके कोई बोले यस मैम, इन्फिनिटी से वन पे आ रहा है जी, ठीक है, तो हम बोलेंगे N1 1 है, N2 क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है यस आगे बात समझ में। मैम, अब इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको एक और इसका कराऊंगी मैं फॉर्मूला। सिंपल सा पहले क्वेश्चन देती हूँ। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम undergoes transition। transition का मतलब होता है बेटा ऊपर से कहीं आना, मतलब चेंज लेवल चेंज करने को ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ओके ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद N इज इक्वल टू 4। तूने बुक मंगवा ली? यस मैम, बुक मंगवा ली? नहीं मैम अभी नहीं आई मैम, ऑर्डर करी है क्या? नहीं करी है वो? नहीं मैम वो मार्केट में अभी मिली नहीं है। ओके चलो कोई ना, इतना बेस बन जाएगा तेरा, ठीक है ना। okay. चलिए क्वेश्चन देख कैसे होगा, क्या बोल रहे, लिख लिया? हाँ मैं कुछ स्टेटमेंट लिख लूँ, हाँ यस मैम, क्या पूछ रहा है? कहता व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड मैम व्हेन, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम मैम कैसे? इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले जो हम हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है मैम उसे हम वो निकाल सकते हैं, मैम पहले हम इससे एनर्जी निकाल सकते हैं रेड रेडबर्ग फॉर्मूला से मैम, फिर जो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी मैम फिर उसको एच न्यू के इक्वल करके मैम हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मैम, फिर फ्रीक्वेंसी लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू करके हमारा वो वेवलेंथ आ जाएगी, ऐसे कर सकते हैं इसको। कर सकते हो, बट वो लंबा प्रोसेस नहीं पड़ेगा, रेडबर्ग फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं हो जाएगा।
मैम क्योंकि रेडबर्ग फॉर्मूला से तो एनर्जी निकलेगी ना मैम। रेडबर्ग फॉर्मूला से वेव नंबर निकलता है, वेव नंबर एनर्जी थोड़ी अच्छा होता है मानसी। नहीं मुझे लगा एनर्जी निकलती है, सॉरी मैम। ठीक है मैम, फिर तो हम इसको बस जो वेव नंबर आएगा उसको अपॉन ले लेंगे, फिर तो हो यहीं पे जाएगा। ही कर लेते हैं, 1 बाय लैम्डा ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ओके आर पुट कर ले किन्ना पार कितना सी, 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स। N1 किन्ना मैम इसको होएगा, मीटर इनवर्स में लेना होता है हमेशा ज्यादातर क्वेश्चंस जो में। मर्जी कर ले, कोई जरूरी नहीं है। ये देख, ये वाली यूज करेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स में, मैंने ये वाली करी थी तो मीटर इनवर्स। वो तो क्वेश्चन में ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्टिव होते फिर हैं। अगर हम मीटर इनवर्स यूज करते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ आएगी वो भी मीटर्स में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटीमीटर ओके इनवर्स करेगा तो सेंटीमीटर में। जब सब्जेक्टिव ठीक क्वेश्चन है है फिर तो कोई पंगा नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शंस दी होंगी। हो सकता है यस नैनोमीटर में मैम। भी दी हूँ ऑप्शन, तो एंड में फिर ओके नैनोमीटर में कन्वर्ट भी चेंज करना पड़ सकता कर लेंगे। है। हाँ, बट ओके इससे मैम इससे जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा पहले। ठीक ठीक है मैम। है, N1 क्या होगा, कहाँ पे गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, पढ़ के बता स्टेटमेंट। मैम जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 पे गिरा है, टू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे मैम, हाँ, -1/4 फोर स्क्वायर। कर लेगा सॉल्व इसको। यस मैम सॉल्व फिर अपने आप करियो, ठीक है, टाइम लग जाएगा। 1/4 - 1/16 बस कर लूँ मैम। एलसीएम लेके 16 आके एलसीएम हो जाएगी कहानी। ठीक ठीक है, है यस मैम। इतना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगला क्वेश्चन ले लिया। एक मिनट ले ले मैम, स्क्रीनशॉट लिख भी लिया। अच्छा ठीक। अब बेटा दो तीन जो यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, कई बार ये पूछ लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, कोई भी सीरीज दी हो उसकी फर्स्ट लाइन का मतलब क्या। अब लाइमन सीरीज मैंने बोल दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आके गिरेगा ये बताओ। N=1 पे मैम। हाँ, फर्स्ट पे आके गिरेगा तो N11 तो पक्का है, वो तो लाइमन सीरीज यस मैम कहने से ही पक्का हो गया। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि वो पक्का 2 से आके गिरे, उसके ठीक जस्ट है एक ऊपर लेवल लेना, वो फर्स्ट लाइन ठीक है। कहलाएगी। अब मैं तुझसे पूछूं, ओके मैम फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज उसकी वैल्यू बता N1 N2 की। N1 तो मैम हमारा 2 हो जाएगा और N2 हमारा 3 हो जाएगा। हाँ, समझ आ गई अब बात। ऐसी कोई भी यस मैम लाइन की फर्स्ट लाइन, अब मान ले क्वेश्चन में मैं पूछ लेती तुझे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन बामर पाश्चिन ब्रैकेट सीरीज, सेकंड लाइन का क्या मतलब होता। अब मैम देख, की मैम ब्रैकेट जल्दी नहीं करनी, शांति से मन को ठंडा रख के पहले लिख लेना LBP BPH। ठीक है, तो फिर याद करना है कि हमने किया था लाइमन मतलब 1 पे गिरेगा, वन बामर मतलब 2 पे गिरेगा, पाश्चिन मतलब 3 पे गिरेगा, थ्री पे ब्रैकेट गिरेगा, मतलब फोर 4 पे गिरेगा, तो एन पे वन गिरेगा फोर है। अब सेकंड का मतलब क्या है, 6। मैम, 6 होगा मैम। समझा के बात, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते यस हैं। मैम वो पूछेगा ठीक है वेवलेंथ निकालो सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज की, या वेव नंबर निकालो, या कुछ भी पूछ सकता है। तो मान लो ये अपने से क्वेश्चन बनाए, वेव नंबर पूछ लिया, तो हम बोलेंगे जी 4 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, तो ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं। ओके एक होता है लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा है, ओके आएगा कहाँ पे वो लाइन पे डिपेंड करेगा। जैसे लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोल दे तो इन्फिनिटी से आएगा, आएगा कहाँ पे, 1 पे। समझ मैम, आई, फिर क्यों ऐसे तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, इसका वेवलेंथ नहीं निकाल सकता बेटा। मैम वो सिंपल, हम फिर N2 की जगह इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा ना। फिर 1/∞ 0 ही होता, की टेंशन है। अच्छा ठीक है यस मैम समझ गया। 1/1 ही आ गया, -0 आर ही आ गया आंसर, इधर वेव नंबर बस। ओके अच्छा क्वेश्चन देखे, और
अच्छा एक चीज और बेटा, लिमिटिंग लाइन को कई बार लास्ट लाइन भी बोल देते हैं, लास्ट लाइन भी बोल सकता है लिमिटिंग लाइन, ठीक ठीक है। है। एक और चीज बतानी है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये क्या होते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन मैम देख, जैसे मान ले मैं तुझे बोल दूं HE+, प्लस मतलब +1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? इलेक्ट्रॉन मैम है ही नहीं है इसके पास इलेक्ट्रॉन तो। अच्छा क्यों, दो होते हैं, एक इसने लूज किया तो एक बचेगा नहीं। हीलियम है ठीक है सर, हीलियम है सर। अब मान ले मैं तुझे बोल दूं कि हिमांशु लिथियम 2+ में बता। मैम उसमें एक भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। हाँ, बेरिलियम 3+ में बता। उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, तो ऐसी स्पीशीज को जिनमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन लाइक्स। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ऐसे तो जितने मर्जी निकाल दो, बट ये ही ज्यादा 3 पाए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक ठीक है। है ओके। अब इनके लिए भी ये फॉर्मूला लग सकता है, बट फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाइड है, रेडबर्ग फॉर्मूला। इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज भी देते हैं कई बार न्यूमेरिकल में, उसमें मल्टीप्लाई कर देना साथ में Z² से। Z क्या होता है हिमांशु? मैम एटॉमिक हाँ, अब मान ले मैं तुझे क्वेश्चन में ये स्पीशीज पकड़ा दूं, तो तू Z की वैल्यू क्या भरेगा? मैम 4। हाँ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस मैम। लिथियम पकड़ ये स्पीशीज दे देती तो 3 का स्क्वायर। जो 3 का स्क्वायर आ जाएगा हाँ, तो ये 2 का स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के। ठीक है, इसके क्वेश्चन अब हम करते हैं। एनसीआर के कहाँ गई? ये बैक एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन पूछा है उसने, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द। आज वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना जो नहीं हुए थे, जो तूने कहा ना मैं ठीक है यस करूंगा। मैम। अब मैं तुझे खुद कराऊंगी ये क्वेश्चन, तूने नहीं करना, इसमें एक दो चीजें समझानी है, तू ओके लिख ले बस इसका स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या पूछा है। ये भी ना एक, तो जैसे मैंने तुझे बताया कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, पहले मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दो बातें करेंगे। एनर्जी और लैम्डा का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है क्या, इनवर्स है? हाँ, इनवर्सन ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, HC/λ, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये पक्का? यस मैम। मान ले मैं लाइमन सीरीज की बात कर रही हूँ, ठीक, तो एन इलेक्ट्रॉन एक्सक्यूज मी फर्स्ट लेवल पे गिरेगा। मान ले मैं बोल लूँ कि हिमांशु, वो सेकंड शेल से आ रहा है, राइट? व्हाई आई एम लिसनिंग माय ओन वॉइस, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम क्लियर है मैं पूरी। चलो एक केस लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन्फिनिटी से और इलेक्ट्रॉन आ रहा है टी से। इन्फिनिटी से जब वो 1 पे आएगा, ऐसे 1 पे आया, बहुत दूर से आ रहा है, तो वो बहुत एनर्जी छोड़ेगा कि कम छोड़ेगा?
मैम बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा बहुत एनर्जी छोड़ेगा है ना, तो ई की वैल्यू ज्यादा होगी मैम, लैम्डा कम हो जाएगा। लैम्डा कम हो जाएगा, तो उसको हम शॉर्टेस्ट लैम्डा वाला बोल सकते हैं। यस मैम, इसका मतलब कोई पूछे कि वो वाली वेवलेंथ निकाल, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो लाइमन सीरीज में, इसका मतलब वो बोल रहा है कि n2 क्या है, इनफिनिटी, इनफिनिटी लेना पड़ेगा, वो बताएगा नहीं, समझे। अब जब वो टू से वन पे आएगा एनर्जी कितनी छोड़ेगा, मिनिमम के मैक्सिमम, मैम मिनिमम, तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और लैम्डा और वेव नंबर का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स, इनवर्स था, यस मैम, वेव नंबर कब भी छोटा बड़ा कर सकता है, यस मैम, जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेव नंबर, अच्छा इसमें वेव नंबर ही निकालना है, बट किसका, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी, मैम एनर्जी बहुत कम है, लोएस्ट एनर्जी है, तो मैं लिख दूं एनर्जी मिनिमम, बामर सीरीज की एनर्जी मिनिमम कब होगी, मैम जब वो n इक्वल टू थ्री से आएगा, n टू पे, यस, n इक्वल टू n टू तीन है, n वन कितना, दो है, टू है, बस हो गया क्वेश्चन, पूछिए कि होता वेव नंबर केड़ा रिलेशन लगू, मैम वन एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, वन कहाँ लिखा मैंने, मैम ये सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका स्पेक्ट्रा, मतलब क्या होता है, बामर एटॉमिक सीरीज और, हाइड्रोजन का, मैम अरे एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जो स्पेक्ट्रा दिखेगा, जो डिस्चार्ज गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते थे हम, मॉलिक्यूल एटम में नहीं बदल जाते थे, ओके मैम ठीक है समझ गया, तो एटम के इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आएंगे ना, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, जेड स्क्वायर लिखने की जरूरत है इसमें, नहीं मैम, क्योंकि ये हाइड्रोजन का ही है, तो बस आर की वैल्यू बताओ, मैम 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर मीटर, 10 टू द इनवर्स, पावर माइनस अरे इनवर्स, माइनस नहीं, 7 है, 2 10 स्क्वायर माइनस 1/3 10 स्क्वायर, बस वेव नंबर ही यस पूछा है तो आंसर आ गया, मैम ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस टिक करा देते हैं, अब ना वो बुक मंगवा ले तो उसमें बहुत सही क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, वो सारे प्रैक्टिस कर लेगा, नहीं फिर पाइल अप होता रहेगा काम, ओके मैम और क्या देख रहे थे हम, रेड बॉयज के क्वेश्चन, इसमें एक दो पॉइंट और भी हैं, फिर करेंगे, 2.17 कर लिया हमने ना, इसका एक अच्छा क्वेश्चन है, हाँ 2.33 इसको ट्राई करना खुद से, बैक एक्सरसाइज का ही लिख ले, ठीक है 2.33 और एक 2.55 ये ट्राई करना, ये तो मैं सोच हो जाएगा, ये वाला शायद ना कर पाओ, बट ट्राई दोनों करना, ठीक है अच्छा जो क्वेश्चन दिए थे उनकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करी थी क्या आपने, मैम, अपने आप की थी मैम, हाँ कैलकुलेटर मत यूज करना, ठीक है, नहीं फिर आदत बन जाएगी, समझ यस मैम, अच्छा मान ले कि मैं तुझे बोलूं इलेक्ट्रॉन 6 से 1 पे आ रहा, बीच में कौन कौन से लेवल होंगे, 5, अच्छा इसको इजी करते हैं ऐसे कर, तो 4 से 1 पे रख लेते हैं, 3 और 2 यही होंगे, यस मैम, ठीक है थोड़ा बड़ा बना दे इसको,
मान लो तुमको क्वेश्चन आया कि ये बताओ कि ऑल द पॉसिबल लाइंस कितनी आएंगी, सारी पॉसिबिलिटीज बतानी है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बना के देखते हैं। 4 से 1 पे आ जाए डायरेक्टली, यस मैम, 4 की हो सकता है, 4 तो पहला 3 पे आए, फिर 3 तो 1 पे आ जाए। समझा नहीं हम ये वाला में 4 से 2 पे नहीं आएगा। क्यों, 3 पे भी तो वो भी करेंगे, 4 तो 2 से आ जाए, फिर 2 ओके से 1 पे आ जाए। ओके और कोई पॉसिबिलिटी है, देख ले कुछ बचा तो नहीं। 4 से 1 पे सीधा, 4 से 3 से, 3 से 1 पे, या ये भी हो सकता है 3 से 2 पे, यस मैम, फिर 2 से 1 पे, वो तो काउंट कर ही ली। यस मैम, और देख ले, तसल्ली कर ले अभी, 4 से 1 फिर पे फोर डर है, से थ्री में नहीं, 4 से 3 पे नहीं आएगा मैम। वो तो बना दी मैंने। ओके कितनी हो गया, 1 2 3 4 5 6 होगी, यस मैम, मतलब मैक्सिमम लाइंस कितनी दिखेंगी आसानी, 6 6 तो ज्यादा तो नहीं यस दिखनी मैम, है। नहीं मैम, उन्हें आपा बना के देख लिया, क्योंकि लेवल कम थे। अब मान ले मैं तुझे बोलूं कि 15 से 2 पे आ रहा है, ऑल द पॉसिबल लाइन बनाओ, बनानी मुश्किल है। तो यस मैम, इसका एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन, समझ गया। डेल्टा एन क्या है, N2 - N1, जिसमें ट्रांजिशन दिया, जैसे इसी केस में ले ले, 4 से 1 पे जा रहा है, 4 - 1 कितना होया, डिस्टर्बेंस मैम 3, आ रही है बहुत, 3 और 3 + 4 6 आ गया, साडा भी आंसर 6 आ रहा, से समझ आ गई। यस मैम, तो इसका एक क्वेश्चन है, इसमें एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दे रखा, सीधा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कर लेना। 2.15 ठीक है, चल फिर बाकी कल करेंगे। यस मैम, ओके बेटा, बाय ओके बाय। मैम, थैंक यू मैम, शुड आई सेंड द रिकॉर्डिंग, कर दो मैम सेंड। करूंगी शाम तक, ठीक है, अभी थोड़ा बिजी हूँ, कर दूंगी। ओके मैम। ओके।